व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने होटल, जो कि मैं आपको होटल का टूर दिखा दूंगा। यहाँ पे यूरोप में आपको अपार्ट होटल मिलते हैं, जो कि एक तरह सा अपार्टमेंट भी होता है, होटल भी होता है। जो होटल में सारे सर्विसेज मिलते हैं वो सब मिल जाते हैं, प्लस आप वहाँ पे कुक करके भी आप खा सकते हैं। वहाँ पे सारे फुल लोडेड होटल होता है, वो आपको सारा सर्विस मिलता है अंदर में। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं खाना, या फिर आप बना के भी खा सकते हैं। और मैं नो होटल के एक ब्रांच में रहता हूँ, तो मैं आपको मेरा होटल दिखा देता हूँ। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा डार्क हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, तो अभी बहुत ठंडी रहेगी। आगे दिसंबर जनवरी में माइनस में टेम्परेचर जाएगा और स्नोफॉल भी हो सकता है। तो अभी आज का वीडियो में हम आपको पूरा होटल दिखाएंगे और क्या प्राइस होता है और किस टाइप्स के होटल होते हैं, उन चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ होटल, अभी हम एंटर करेंगे इसमें। ये थोड़ा पुराना होटल है, लेकिन क्लासी होटल है। सब कुछ वुडन थिंग से बना है, बहुत सारे चीज़ें वुडन के होते हैं यहाँ पर। तो ये रहा एक्सेस, डोर एक्सेस खुल गया। तो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट की ओर, और सारे फ्लोर्स जो होता है एक्सेस डिसेबल होता है। आपको सिर्फ अपने फ्लोर का एक्सेस होता है, जो कि आप उसी फ्लोर में जा सकते हैं जिस फ्लोर का आपको एक्सेस है। आप कोई भी फ्लोर नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे टैप करना होगा अपना एक्सेस का, और आपको सिर्फ अपने फ्लोर का एक्सेस मिलता है। मैं थर्ड फ्लोर में रहता हूँ, सिर्फ मैं थर्ड फ्लोर जा सकता हूँ और कोई दूसरा फ्लोर नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं रेड कारपेट। मेरा रूम नंबर है 91, ये रहा मेरा रूम नंबर। और यहाँ पे कुछ कार्ड एक्सेस खुलता नहीं है, क्योंकि पुराना होटल है, तो चाबी से ही खुलेगा ये। तो अभी मैं चाबी से खोल रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा रूम, इसको अपार्ट होटल कहते हैं आप। ये 1 BHK का है और यहाँ पे फुल लोडेड है, सब कुछ आपको लोडेड रहेगा। ये सोफ़ा है, जो कि मैं बैचलर हूँ तो थोड़ा बहुत कपड़ों को भी मैं जगह देता हूँ, मेरे अलावा वो मेरे ऑप्शंस में रेस्ट करते हैं। तो ये सोफ़ा फोल्डेबल रहता है, आपको आप इसको बेड भी बना सकते हैं और उसको सोफ़ा भी बना सकते हैं, और आप यहाँ पर भी सो सकते हैं। बहुत सारे फ्लैट्स आपको ऐसे एक कमरे वाले मिलेंगे विथ सेपरेट किचन, तो आप इस सोफ़ा पे बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं, इसी को सोफ़ा बेड कहा जाता है। तो ऐसे अपार्टमेंट्स बहुत फेमस होते हैं, जो कि छोटी जगह में होते हैं। सिर्फ इतना जगह जो मेरा आपको देख रहा है, ये एक या दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल, आपको मैं किचन दिखा देता हूँ, जो कि फुल्ली लोडेड रहता है। बहुत सारे किचन इंडक्शन होते हैं या फिर गैस सप्लाई भी होता है, यहाँ पे डायरेक्ट पाइप से सप्लाई होता है, कुछ सिलेंडर वगैरह यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ गैस सप्लाई पाइपलाइन से आता है। और क्योंकि ये होटल है, सब कुछ लोडेड रहता है, आपको सारे ग्लासेस और कप्स भी दिए रहते हैं, आपको सारे प्लेट्स भी हैं यहाँ पर। और माइक्रोवेव, फ्रिज, डिश वॉशर, ओवन, सब कुछ आपको
इसी में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आपको पहले घर के जब फर्नीचर होते हैं तभी इनका मेज़रमेंट लिया जाता है और आपको उसी के अंदर फिट किया जाता है। आप बाद में ला के आप फिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, जब घर बनते रहता है तभी इन सब चीज़ों को इंस्टॉल कर देते हैं। ये है मेरा फ्रिज, नीचे में फ्रीज़र है, और ये हो गया आपका माइक्रोवेव, और नीचे में है आपका जो भी ये है बेकरी आइटम्स जो भी रह सकते हैं वो है। ये कटिंग टेबल और फुल्ली लोडेड है, आपको सब कुछ इसमें रहता है। आपको डिश वॉशर दिया जाता है यहाँ पर जो कि वो भी अंदर से लोडेड होता है। तो ये है डिश वॉशर, तो आप कचरा वगैरह बाहर नहीं फेंक सकते, यहाँ पर सब कुछ आपको डस्टबिन में मेंटेन करना होता है। और ये आपका डस्टबिन हो गया, सारे आप वेस्ट इसमें डाल सकते हैं, और इसी से आपको गार्बेज कलेक्टर डेली आप यहाँ पे आपको लगेज स्पेस दिया गया है। आपको लॉन्ड्री आइटम्स भी दिया गया है, आप आयरन वगैरह कर सकते हैं इन चीज़ को अरेंज करके। बहुत सारा स्पेस है, सब पहले से ही लोडेड है। और दो टीवी है, एक टीवी यहाँ पे है और एक टीवी बेडरूम में है। तो अभी मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। ये है बाथरूम, सब ड्रायर है और वेस्टर्न टॉयलेट। ये हो गया बाथटब, ये हो गया आपका हीटिंग जो कि सारा जो भी नल है इसमें वो आपको 24 आवर्स हीटिंग प्रोवाइड करता है, इसी से आपको सारा हीटिंग आपके रूम में होता है। मैं इस होटल में पिछले 45 डेज से रह रहा हूँ, अभी एक हफ़्ता बाकी है, उसके बाद मैं अपना जो घर रेंट किया हूँ वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ जाके एक और वीडियो बनाएंगे, वहाँ का भी वो इससे छोटा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हर जगह हीटिंग कंपलसरी होता है, एसी नहीं होता है, आपको बस हीटिंग कंपलसरी होता है क्योंकि रूम हीटर हर जगह ज़रूरत होता है। ठंडी में आपको टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है तो आपको रूम हीटर बहुत ज़रूरी है, तो हीटिंग बहुत ज़रूरी होता है, हर घर में हीटर कंपलसरी होता है। ये हो गया आपके वाइन ग्लासेस और का शॉट्स है, बॉल है, और किचन के नीचे में आपको सारे किचन पैन वगैरह सब लोडेड रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मेरे घर का टूर, और आशा है आपको ये पसंद आया होगा।
अगले और भी वीडियोस बनाएंगे हम लोग, जब मैं नया फ्लैट में मूव होंगे तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।